हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी लाइब्रेरी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लाइब्रेरी एग्जाम की बात करें जैसे कि राजस्थान लाइब्रेरी, बिहार, NVS, KVS, दिल्ली लाइब्रेरी से संबंधित एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अस्तित्व का ज्ञान जगत वर्गीकरण है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि द्विविभाजन, दशविभाजन, बहुविभाजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से दस विभाजन पद्धति का उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन है DDC, ऑप्शन बी UDC, ए या वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और वी, यानी कि 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण DDC और UDC दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, वर्गीकरण का पिता अस्तित्व को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मेविल डेवी, C.A. कटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेविल डेवी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको UTC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो UDC में दोस्तों किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि UDC में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, DDC का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, DDC का प्रथम संस्करण 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, DDC किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पक्षात्मक, परिगणनात्मक या लगभग परिगणनात्मक या लगभग पक्षात्मक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, UDC का प्रथम संस्करण यानी कि DDC के किस संस्करण पर आधारित था। दूसरे संस्करण, पांचवें संस्करण, नौवें संस्करण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवें संस्करण पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोलन क्लासिफिकेशन CCC के किस संस्करण में दशा संबंध यानी कि फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए यानी कि छठा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवें संस्करण में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर दोस्तों मैं अगली वीडियो में दूंगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी से संबंधित डेली बेसिस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसकी क्लास दोस्तों आपको शाम तक 4 बजे के लगभग आपको अपलोड कर दी जाएगी। अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।